गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एकेडमिक सेशन ऑफ द ईयर एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट इंग्लिश लेक्चर ऑफ योर क्लास. सो वी विल स्टार्ट. आई गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इंग्लिश विच वी आर गोइंग टू कन्वे फॉर द रेस्ट एकेडमिक ईयर. So probably most on the previous year your most of the topics are completed in grammar and even composition. So today those who have the textbooks can take the textbook of supplementary Hornbill textbook. We are going to start the first chapter directly. Those who don't have the textbook, please take the textbook with you. My voice is coming slow. Now is my voice is audible now? Okay. So for English, you are going to maintain two different books. One book for the literature skill for your prose section, and another book for your poetry skill. Poetry and literature, whatever will be coming on the basis of prose. प्रोज में जो भी लिखना है या पोइट्री में जो लिखना है वो सारे के लिए तुम एक ही बुक मेंटेन करने वाले हो. उसकी अलावा लाइक व्हेन यू आर कमिंग फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए एक अलग बुक मेंटेन करो. ओके, सो यस, लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डे. दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अभी द पोर्ट्रेट मतलब क्या है, पोर्ट्रेट की मीनिंग मतलब क्या है? पोर्ट्रेट इज नथिंग बट द पिक्चर. पोर्ट्रेट इज नथिंग बट द पिक्चर, और यू कैन से एन इमेज. इमेज भी बोल सकते हैं इसको. सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक इमेज, एक लेडी की इमेज कैसी बनती है? वी नो अबाउट दिस, राइट? हमको लाइक वुमेन्स कैसी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स कैसी होती है, ये सारी चीज़ की जानकारी ऑलरेडी है. तो उसके हिसाब से हमने लाइक वी विल बी गोइंग फॉर दी अपकमिंग स्टडी. सो ये जो लेसन, ये जो चैप्टर शुरुआत करने के पहले आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन फॉर यू गाइस. इट्स नॉट पेंटिंग. हू सेड इट इज पेंटिंग? इट इज नॉट पेंटिंग. द पिक्चर, पिक्चर इज डिफरेंट. इमेज, इमेज एंड पिक्चर इज सेम. पेंटिंग इज टोटली डिफरेंट. ओके, and one second, let me check about the voice. क्या बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही है तुमको? अब मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यही टोन में चलो तो आवाज आएगा. ओके, देन इट्स वेल. सो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर होगा, पेंटिंग नहीं होगा. इट विल बी अ इमेज. सो ये जो चैप्टर जो है, ये चैप्टर शुरुआत करने के पहले हमको थोड़े बहुत जानकारी लेंगे इस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर कैसे चलता है करके. दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, इट इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऑथर की कहानी है. जो हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? कुशाम, खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. सो खुशवंत सिंह इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्टोरी. सो ये उनकी ही कहानी है. इट इज हिज वेरी ओन स्टोरी. इट इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर. मैं क्लियरली लिखी हूँ कि ये जो ऑथर की स्टोरी है. और दूसरी चीज, ये पूरी कहानी में हमको क्या पता चलेगा? इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर. ऑथर का जो ग्रैंड मदर है, ऑथर की जो रिलेशनशिप है उनके ग्रैंड मा के साथ, जो बॉन्ड है, जो इमोशंस है, उसके रिलेशनशिप के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Pens involved, pens involved activities and shows how she evolved character as time passed by.
मतलब ये जो पेंस इन्वॉल्व, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैरेक्टर, उनके जो भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है उनके खुशवंत सिंह ऑथर के साथ, ग्रैंडमा का क्या बॉन्ड चल रहा था, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दे वर हैविंग, ओके. फिर इट एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस व्हिच हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज इन अ रीडर्स माइंड. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होते पहले, खत्म होते होते ही यू विल बी गेटिंग एन इमेज ऑफ दैट लेडी, वो लेडी की एक इमेज तुमको मिली जाएगा, बिकॉज शी हैज सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, इतनी अच्छे कैरेक्टर है कि मतलब वो सब हम सबके दिमाग में उसकी कैरेक्टर बहुत अच्छे से बैठ जाती है, ओके. ये एक डिस्क्रिप्ट एक रिलेशनशिप है ऑथर और ग्रैंडमा के. आपके पास भी लाइक इवन यू विल बी हैविंग योर मदर, यू विल बी हैविंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, तो तुम्हारी जो रिलेशनशिप है ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उतनी रिलेशनशिप लाइक प्रॉबली सिटी साइड में उतनी होती नहीं है. कभी कभार ऐसा है कि वो ओकेजनली आ जाते हैं, कोई नया दिन रहता है या कोई अच्छे दिन के लिए मिलने आ जाते हैं, तो उस वक्त में हमारे उनके साथ रिलेशनशिप होती है. लेकिन हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उनकी रिलेशनशिप बचपन से लेकर टिल हर डेथ उनके साथ लाइक इतनी अच्छे बॉन्ड है कि ये हमको इस चैप्टर में पता चल जाएगा, ओके. अगर मैं स्पीड जाती हूँ या मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉप मी और एल्स यू कैन गिव अ टेक्स्ट मैसेज, ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, मैं रीड कर लूँ, ओके. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज. शुरुआत से लेकर एंड तक देखो, बहुत मजा आने की चैप्टर है. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके. Those who don't have a textbook, open your ears and listen. जिनके पास textbook है बहुत अच्छा है, textbook लेके बैठ जाओ and keep a pen or pencil with you. बीच बीच में हमको meanings mark करने पड़ेगी, लिखने पड़ेगी, ठीक है. My voice is clear, thank you. Okay, I'll go on this very same tone. My grandmother, like everybody grandmother, was an old woman. मेरी grandmother वही grandmother थी जो सबके जैसे कैसे रहता है कि सबके grandmother old ही रहता है, okay? She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. What is the meaning of wrinkled? उनको मैं like 20 years से जब से बचपन से मैं उनको देखता हूँ, like बचपन से उन्होंने बहुत old ही दिख रहे थे. ऐसा नहीं है कि नहीं थोड़ा पहले एंड थे फिर उसके बाद देश जाते जाते ओल्ड हुए, वैसे नहीं था. बहुत स्टार्टिंग में से बहुत ओल्ड ही दिख रहे थे. उनके लिए wrinkled फेस था. wrinkled मतलब क्या है? Having lines of folds. लोग देखे होंगे ना grandmother की एक folds जैसा रहते हैं, ये wrinkled चेहरे में lines जैसा दिखते हैं, बुढ़े पर दिख जाते हैं, उस बेसिस पे दिख रहा है. I'll write the meanings on the board. If I don't write also, you underline the word which is hard और उसकी meaning उसके पास ही है, okay? You write above the word so that जब read करेंगे तब आसान रहेगा समझने. Wrinkles, you can say having lines on the face, or you can say about the fold on the face, okay? ये उनकी बुढ़ापन को बता देता है कि wrinkle हो जाती है फेस में. For the 20 years I had known her. So since 20 years पहले से लेकर अभी तक उनके फेस में वो wrinkle की चीज दिख ही रहा था. People said that she had once been young, pretty and even had a husband. But was hard to believe. So लोगों ने ये बता रहे थे कि मेरे ग्रैंडमा के बारे में कि एक टाइम ऐसे था कि मेरे ग्रैंडमा बहुत खूबसूरत दिखते थे. And she was married too. उस वक्त उनकी मैरिज भी हो गई थी. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अभी इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ऑथर ने क्या बोल रहे हैं, मेरे जो grandfather की जो फोटो है ना, portrait is nothing but a picture. As I said you before, मेरे grandfather की जो फेस है लाइक उनके उन्होंने अभी उन्होंने नहीं है, he is no more. लेकिन अभी भी हमारे जो रूम रहता है उसके मैंटल पीस मतलब देखिए हो लाइक विंटर सीजन में स्पेशली ज़्यादा विंटर सीजन होने
नॉर्थन साइड्स एंड ऑल, वहाँ पे लाइक फायर रूट जैसा बना के रखते हैं घर के अंदर ही, फायर रूट जैसा इकट्ठा करके बना के रखते हैं। उसके ऊपर जो रहता है, उसके ऊपर जो दीवार रहती है, उसको हमने मेंटल पीस बोलते हैं। इट विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ फायर रूट, फायर रूट के एग्जैक्ट ऊपर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ फायर रूट। सो उसके ऊपर उनकी फोटो अभी भी लगा हुआ है। अभी तुमको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अपनी जो शुरुआत कर रही हूँ इसमें मैं पहला ग्रैंडफादर की कैरेक्टर के बारे में, ग्रैंडफादर की अपीयरेंस के बारे में समझाऊंगी। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। पुराने जमाने में जो टर्बन क्लोथ्स रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइक अपने अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से इंडियन से लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे उन्होंने। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। सो मेरे को तो सुनने में ऐसा आ रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं मतलब जब से मेरे ग्रैंड फादर थे ना, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। ग्रैंड फादर जो है उनका जो लाइक है ना, वो जो बियर्ड रहता है, बियर्ड मतलब क्या बोलते हैं हमने हिंदी में, लाइक दाढ़ी बोल सकते हैं, वो बियर्ड उनकी चेस्ट तक गिरती है, इतनी बड़ी बियर्ड है उनको, और कोई उनको देख के ये बोलेंगे ही नहीं कि उनकी कम उम्र है। जब से उनकी अडल्टहुड स्टार्ट हुआ है तभी से उनके लाइक यू नो बहुत ओल्ड मैन, लाइक देख के कोई पहचान ही नहीं पाएंगे उनको, 50 years ओल्ड है, 60 years ओल्ड है, डायरेक्टली सभी लोग ये बोलेंगे इनका तो 100 साल हुआ ही रहेगा। ठीक है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द पार्ट ऑफ हिज चेस्ट and looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. So इसमें क्या बता रहे हैं हमको, grandfather जो है उनको देख के कोई ये नहीं बोलते कि उनको children है, उनको बच्चे हैं, उनको wife है, उनके बच्चे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलते उनको। कोई पहले बार अगर देखेंगे ना तो directly बोलेंगे कि दादाजी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे हैं, ओके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन डायरेक्टली, मतलब उनकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो दिख ही रहे थे एज इफ ही इज वेरी वेरी ओल्ड। ओके ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। सो तब ये ऑथर क्या सोच रहा है इस जगह पे, मेरे ग्रैंड मदर देखने में तो बहुत खूबसूरत है और ग्रैंडफादर तो बहुत ओल्ड लग रहे हैं, ये कुछ रिवर्स हो रहे हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कुछ रिवर्स रिलेशन हो रहे हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अगर इस जगह पे इसकी मीनिंग देखेंगे इसको अगर तुम देखेंगे, हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव बोल सकते हैं, या फिर इट वॉज रिवर्स, बोलते ना थोड़ा रिवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ग्रैंड मदर इतने प्यारे दिख रहे थे और ग्रैंड फादर एकदम बोलते। सो इस जगह पे एक रिवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, वो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इनकी वाइफ मेरे ग्रैंड मा है। Okay, she often told us the games she used to play as a child. उन्होंने हमेशा मेरे को ये भी बता रहे थे कि उन्होंने बचपन में कितने गेम्स खेलते थे, बहुत गेम्स खेल रहे थे। वीडियो पॉज हो गई, अभी मेरी वीडियो दिख रही है, टीचर बोर्ड इज ब्लर, प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड ठीक ही दिख रहा है, आपके कनेक्शन चेक करो। लेट मी कंटिन्यू। सो ग्रैंडमा ने बचपन से उनको वही बता रहे थे कि बचपन से उन्होंने कितने खेल खेल रहे थे, मतलब ग्रैंडमा अभी भी हमको लाइक हमारे मेरे इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे ग्रैंडमा तो मेरे से वही बता रहे थे कि बचपन में कौन से खेल, बहुत बहुत पुराने पुराने ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बता रहे थे, जो गोली से खेलता है, जो स्पेसिफिकली लाइक यू नो गर्ल्स के लिए लाइक अलग गेम्स बताते थे, बॉयज़ के लिए अलग गेम्स बताते थे,
वहां पे उस वक्त तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी थोड़े बहुत हो रहा था. सो देखते दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्सर्ड? अब्सर्ड मतलब क्या है? उन्होंने इतने कहानी बोल रहे थे ना, इतने गेम्स के बारे में बोल रहे थे ना, कि हमको सुन के ऐसा लगा है कि ये तो बहुत इलॉजिकल चलते हैं. इलॉजिकल मतलब क्या है? हम कोई बात सुन के ऐसे बोलते हैं, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है. नहीं, मैं तो नहीं ना यकीन करूँगा. अगर मैं तुमसे आके बोलती हूँ कि मेरे को एक स्टेप मिला है, उस स्टेप में मैं चढ़ते चढ़ते हेवन तक पहुँच गई और वहाँ पे जो गॉड थे ना उनको हलो करके आए, ऐसे मैं कुछ मेरी तरफ से मैं जो भी बोलती हूँ, दैट इज माई पॉइंट ऑफ परसेप्शन. मैं मेरे तरफ की जो व्यू है वो बता रही हूँ. तो आप लोग क्या करेंगे? ये तो थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, कुछ ऐसा होता है क्या? मतलब सुनते हो नाम के लिए बट कुछ लॉजिक नहीं लगाते हो उसमें, कुछ आपको लगेगा नहीं कि ये सच में हुआ है. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पाथ एंड ट्रीटेड इन वॉज फेबल्स द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबल्स? ये सुनते सुनते ऑथर को वही लग रहा था कि अपने ग्रैंडमा ही बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं. तो ऑथर ने क्या सोचा? ये शॉर्ट स्टोरी सोचा, शॉर्ट स्टोरी के नाम पे ले लिया. फेबल्स मतलब क्या है? शॉर्ट स्टोरी मतलब ग्रैंडमा को इतने अच्छे लगते थे ऑथर को, तो ऑथर ने कुछ अवॉइड नहीं कर पाए तो सुन लिए. ऑथर यही सोच के सुन लिए कि ये सब छोटे छोटे कहानी है जो मेरे ग्रैंडमा मेरे लिए बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. She had always been short. Now, अभी जो बता रही हूँ, this is the appearance of the grandmother. It will be asked in your exam. So, the answer सुनो. The voice is so much fluctuating. Why? Why my voice is so much fluctuating? Check your connectivity. Is my voice is audible for you now? Is my voice is audible now? अब मेरी वॉइस ठीक से सुनाई दे रहे? Come on, drop a message. अब मेरी वॉइस सुनाई दे रहे सबको? ठीक से सुनाई दे रहे? अभी भी कुछ फ्लक्चुएट हो रही है या अभी भी कुछ फ्लिकरिंग हो रही है? Nothing like that, no? Good. Let us continue. अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, सो इफ यू सी अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे? ग्रैंडफादर के कैरेक्टर पढ़ रहे थे, ग्रैंडफादर के अपीयरेंस वो सब हम पढ़ रहे थे. अब हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू सी द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर. हमने ग्रैंडमदर के अपीयरेंस देखने वाले हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. सो अब ग्रैंडमदर के अपीयरेंस कैसे बता रहे? ग्रैंडमदर छोटे थे, थोड़ा मोटे भी थे. शी वॉज क्वाइट फैट और उनके जो स्पाइन रहते हैं वो थोड़ा बेंड रहते हैं. तुम देखे होंगे ना, लाइक हमारे जो ग्रैंड मदर नानी जो रहते हैं थोड़ा बेंड हो जाते हैं, वो तो उनके एज के हिसाब से ओल्ड एज हो जाते हैं, तो स्पाइन थोड़ा लाइक बेंड हो जाती है. ठीक है, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस क्रॉस? She had always been as big. मतलब उन्होंने लाइक अपने जैसे ही थे,
known to her old so terribly that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. So कैसे बोलता है इसको like जो young लोग रहते हैं हमारे जैसे लोग रहते हैं समझो. So when we are crossing 25 तब हमारी growth अलग रहती है, हमारी जो physical appearance अलग रहती है. 35, 45, 55 सो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, देयर विल बी अ चेंज इन आवर अपीयरेंस. हमारी जो अपीयरेंस रहता है उसमें चेंज धीरे धीरे हमको आ जाता है, मिलता है. तो उसी बेस में, लेकिन अगर हमने इस केस में हमारे जो ग्रैंड मदर की जो बात चल रहे हैं सो उस केस में देखेंगे तो उनका तो फेस वैसे का वैसे ही था. 20 ईयर्स तक इतने प्रिंकल्स थी, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बहुत यंग एज में ही बूढ़े हो गए. ठीक है, यंग एज है फिर भी बूढ़े हो गए ऐसे ही लग रहा था. एंड इफ यू सी इट इज अ ब्यूटिफुल लाइन गिवन ओवर हियर, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो कभी भी खूबसूरत तो नहीं लग रहे थे लेकिन वो सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल है. क्या बता रहे हैं, प्रिटी का मतलब कि ब्यूटिफुल ही होता है, लेकिन इस जगह पे हमको क्यों ऐसे बता रहे हैं, भले वो देखने के लिए उनकी फिजिकल जो है उनकी अपीयरेंस जो है वो उतना प्यारा नहीं है, लेकिन उनके जो पर्सनैलिटी, व्हेन आई से अपीयरेंस इट विल बी शोइंग ओनली योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तुम्हारे जो एक्सटर्नली जो दिख रहा है उसको उतना उनका अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मन से जो पर्सनैलिटी जो है उनके जो कैरेक्टर जो है वो उसमें बहुत बहुत अच्छे थे. समझ में आया अब तक जो पढ़ा रही हूँ, समझ में आया सबको. लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड इज नॉट विजिबल, नो इश्यूज. फिकर मत करो, लेफ्ट साइड में कुछ लिखा ही नहीं हूँ मैं. ओके, सो इतने मतलब इतने भले वो पर्सनल अपीयरेंस से उतने प्यारे नहीं लग रहे तो भी उनके मन के हिसाब से या उनके कैरेक्टर के हिसाब से ये सारे जो कि हम पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, तो उस बेसिस पे उन्होंने बहुत बहुत प्यारा लग रहे थे. सो लेट अस गो टू नेक्स्ट. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, उन्होंने हॉबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबल्ड, वॉक इन अ ऑकवर्ड वे, वॉक इन अ ऑकवर्ड वे. ऑकवर्ड वे मतलब क्या है, उन्होंने उतने कंफर्टेबली वॉक नहीं करते. क्यों, क्योंकि उनकी स्पाइन ऑलरेडी थोड़ा बेंड हुआ है तो उतने कंफर्ट जोन नहीं लेते थे, तो उतने चल भी नहीं पाते थे, तो क्या करते थे, कुछ सपोर्ट लेके या बहुत आराम आराम से घर के अंदर चलते थे. ओके, सो विद द हेल्प शी विल बी रोमिंग इधर और उधर, उन्होंने वैसे ही चल रहे थे. विद वन वाइट हैंड resting on her waist to balance her stoop. So ये stoop मतलब क्या है, one white hand मतलब क्या है, मेरे जो दादी माँ है वो उनके लिए वाइट साड़ी पहन के ओवर हो गए थे, इतनी ऑकवर्ड चल रहे थे. और एक जो हाथ है ना वो हाथ को पीछे तरफ देखो, ऐसे पीछे तरफ रखते ना या adults क्या करेंगे, ओल्ड एज पीपल पीछे तरफ रख के वो स्पाइन को थोड़ा पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर उसी बेसिस में उनने चलने शुरुआत कर दी. ठीक है, और हमेशा जब ऑथर के ग्रैंडमा को हम देखेंगे वो हमेशा रोजरी पढ़ते थे, लाइक एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोजरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोजरी, ये जो हमने बोलते ना लाइक अलग अलग वेद में इसकी अलग अलग मीनिंग होती है, रोजरी वही होता है जो बीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बीड्स बोलते ना, जिसमें मोती सब रहते हैं, रुद्राक्ष होती है, माला बना हुआ रहता है, मंदिर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम. प्रॉबेबली इसको लाइक पुजारी जो रहता है, सेंट्स जो रहते हैं हमेशा उसको वो बीज को एक एक करके एक एक प्रेयर बहुत मन में बोलती थी, बहुत मन में, या फिर हम जितने भी पास भी जाके देखेंगे ना तो भी उतनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इतनी मन में बोलती थी. तो इट इज़ नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ बीज. स्ट्रीम ऑफ बीज मतलब क्या है, वही जो मैं बोल रही हूँ, माला जो बीज से बनी हुई है, बड़े बड़े मोती रख के वो जो बीट्स रहते हैं ना वो बीट्स के साथ साथ बना हुआ है. हमारे जो लाइक अनदर कल्चर में इसका और भी मीनिंग है, लाइक हमने इसको रख के ही प्रेयर करते हैं, इवन इन क्रिश्चियनिटी टू. ओके, लेट मी कंटिन्यू. हर सिल्वर लॉक्स वेस्कैटर
untidily over her pain. So her silver locks. इस जगह पे locks की मतलब क्या है? Probably lock मतलब हमारे locket की होता है. ताला बोलते हैं ना हमने हिंदी में. ताला को बोलते हैं. लेकिन इस जगह पे lock मतलब क्या है? उनकी जो बाल है, वो बाल को इस जगह पे signify कर रहे हैं. Okay? उनकी hair को signify कर रहे हैं. उनकी hair एकदम greyish color हो गई थी and scattered untidily. पकड़ फेस मतलब क्या है? एकदम फेस में जो बॉडी थी ना लाइक बहुत व्रिंकल से भरा हुआ है, इधर उधर से इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन से भरा हुआ है, वैसे दिखता है. एंड हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन एन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल, अभी ऑडिबल मतलब क्या है? मैं पूछती हूँ ना तुमसे, इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू गाइज? अब मेरी आवाज़ तुमको सुनाई दे रहा है, तो उस जगह पे ऑडिबल मतलब क्या है? मेरे आवाज़ तुमको सुनाई आ रहा है क्या? अभी इनऑडिबल मतलब क्या है? जो मेरी आवाज तुमको आएगा नहीं. तो उसी जगह पे हमारे ग्रैंडपा क्या करते, इतनी स्लोली बोलते थे कि कोई नजदीक भी जाते ना उनको भी सुनाई नहीं देते. थोड़ा मर्मरिंग भी इसको हम बोल नहीं सकते, ऐसा लगता है कि उन्होंने मन में ही प्रेयर कर रहे. ओके, उनकी प्रेयर जो है वो मन में ही चल रहा है. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. सो ये सारे कैरेक्टर को देखकर, उनके जो पर्सनालिटी, उनकी जो बिहेवियर, ऐसे लगता है अभी भी हम देखते हैं ना घर पे, हमारे लाइक इतने केयर करते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मी जी क्या करते हैं हमारे लाइक कभी कभार लाइक हमेशा ज़्यादातर उनको पूजा के रूप में ही हम देखते हैं, वहाँ हमारे लिए बहुत प्रेयर करते हैं ना. तो फिर क्या होता है इस जगह पे? सो ग्रैंडमा भी मतलब हमेशा उन्होंने प्रेयर करते हैं. कभी भी उनको इस पूरे स्टोरी में कभी भी तुम देखेंगे ना, वो जो रोजरी के साथ ही घूमेंगे, इधर उधर रोजरी के साथ घूमेंगे, एकदम वाइट साड़ी पहन के बहुत प्यारा लगेंगे उन्होंने, उनके कैरेक्टर वाइज तो बहुत प्यारा लगेंगे. ओके, सो यहाँ तक जो पढ़ाई थी वो समझ में आ रहा है? लेट मी कंटिन्यू. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो तो पहाड़ों में लाइक हम सीनरी देखे होंगे ना. लैंडस्केप मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग, लैंडस्केप इज नथिंग बट अ सीनरी. जो माउंटेनियस जगह पे हमने सोचेंगे ना, अरे नॉर्थ साइड में कितना प्यारा लगेगा देखने के लिए, कितना अच्छा है वो जगह. तो वो जगह देखने में हमारे कैसे व्यू लगता है, वैसे एक लैंडस्केप व्यू. ग्रैंडमा के बारे में सोचते ही हमको इतना अच्छा लगेगा. सो देखो उनकी कैरेक्टर कैसी रहेगी. ओके, एंड एक्सपैंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. An expanse of pure white serenity. This is one type of a word. So उनकी देखो expanse of pure इतनी white है. इसको तो हमने ये refer करते हैं. Wait, I'll write the meaning of this. Just you can copy it. I'll write the code now. Okay. Don't worry. Left side की code नहीं दिख रहा है तो चलता है. I will be sending you the code work in the group. Okay. इतने प्यारा लग रहे थे.
इनवाइट थे उन्होंने कि उनको देखते ही हमको ऐसा लगता था शी इज अ वेरी वेरी काम वुमन, इतनी काम वुमन है और उनको देखते हमको इतना रिलैक्स भी फील होती थी एंड इफ यू सी पीसफुल कैरेक्टर, मतलब देखते हमको इतना मन शांति हो जाती थी ना कि वैसे एक कैरेक्टर वैसे एक पर्सनैलिटी है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अभी कंटेंटमेंट मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट का मतलब यही होगा सेटिस्फैक्शन, जो हमारे लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन होता है। अगर हम इस स्टोरी में हमारे ग्रैंडमदर के बारे में देखेंगे तो वो उनके लाइफ में कुछ आने का है नहीं था, जितने देखने का था वो तो देख के ऑलरेडी खत्म हो गई। सो शी फील वेरी सेटिस्फाइड, ऐसे लग रहा था कि उनको कि माई लाइफ इज ऑलरेडी ओवर, मैं मेरे लाइफ में जो भी देखने चाहती थी जितने भी देखने चाहती थी वो सब मेरे लाइफ में मैंने देख लिया। सो इट गेव अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन टू हर, यू कैन से इट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन और अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, इसको हैप्पीनेस करके भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ कि मेरा इधर से बहुत खुशी मिल रहा है और सेटिस्फाइड हो गया मैं। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। सो अभी तक मैंने जो बता रही थी वो क्या था, ग्रैंड मदर के एग्जैक्ट अपियरेंस, उनके कैरेक्टर, वो कैरेक्टर उनके पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, जो हमारे ऑथर है और उनके ग्रैंड मदर है, उन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड ऐसा चल रहा था, बॉन्ड उनके रिश्ते कैसा था। ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and were constantly together. So, क्या बोल रहे ऑथर ने इस जगह पे, मेरे जो ग्रैंड मदर, मतलब बचपन से ही मैं उनके साथ रहता, मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने लाइक मेरे को मेरे दादी माँ के पास छोड़ के चले गए थे और मैं मेरे दादी माँ के साथ ही कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब पूरे का पूरा कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं इस जगह पे हमने, कि मैं उनके साथ बहुत देर में शुरुआत किया था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. So, उस जगह पे क्या बोल रहे कि उन्होंने मेरे को सुबह सुबह उठा भी देते थे और मेरे को रेडी भी करवाते थे, मतलब इतना ख्याल रखते थे जितने मेरे मदर भी मेरे नहीं रखते थे, कि वो मेरे को सुबह सुबह उठाते हैं, मेरे को तैयार करते हैं और स्कूल जाने भी बोलते। उस जगह पे क्या हुआ, She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and trust me in the home. I would listen and get to know by heart. So उन्होंने क्या किए थे करके बोलो, देखो कि monotonous, monotonous मतलब क्या है, monotonous इसको हमने dull बोल सकते हैं या फिर हमने boring भी बोल सकते हैं इस जगह पे, कि मतलब सुबह सुबह मेरे दादी माँ क्या करते थे, मुझे उठा देते और मैं जब नहाने जाऊँगा उस वक्त उन्होंने लाइक prayers बोलने लगेंगे, इतनी प्रेयर्स बोलने लगेंगे, गाने गाने लगेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि वो सब सुन के मैं बहार कर लूँगा और मैं भी बहुत स्पिरिचुअल बन जाऊँगा, मैं बहार करके और स्पिरिचुअल बन जाऊँगा। लेकिन मैं उससे बॉदर ही नहीं किया, इतना थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ को मैं पसंद करता हूँ ना, इसीलिए उनकी आवाज़ में सुन रहा हूँ। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न। सो ऑथर ने क्या बोल रहे हैं देखो इस जगह पे, मेरे को मेरे ग्रैंडमा बहुत पसंद था इसीलिए मैं अच्छे से सुन रहा था, मैं सुनता हूँ पर उसको कुछ मानता नहीं, मैं उसमें उतना प्रायोरिटी नहीं देता हूँ उस जगह पे। एक्चुअली ऐसे होने नहीं चाहिए, हमारे लिए हमारे ग्रैंडमा कुछ करते तो सिर्फ सुनने का नहीं, वो सुन के उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ओके, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, सो देखेंगे। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered. Fetch my wooden slate. What is the meaning of fetch? What is the meaning of fetch? In this place if you see, to
ब्रिंग समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, मतलब उन्होंने मतलब तैयार होने वक्त वही करते थे, मेरे जो वुडन स्लेट रहेगा ना, पुराने जमाने में वुडन स्लेट रहते हैं, पता है हमने जब ABCD जिसमें सीखे उसको हमने मिनी ब्लैक बोर्ड करके भी बोल सकते हैं, तो वो मेरे ग्रैंडमा क्या करते थे, उसको फेच करते, उसको ले आते थे मेरे पास और उन्होंने मेरे पास दे देते थे। ओके, देखिए मेरे को स्कूल में बेचते क्या क्या रखे, रेड प्लास्टर, येलो चॉक, टाइनी इंक पॉट, अदर इंक पॉट, जो मटका में लाइक बना रहे थे ना उस वक्त सब मटका में इंक की बॉटल होती है तो वो भी भेजवा देते थे, और हाथ में ये जो क्या बोलते हैं एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। सो पुराने जमाने में लाइक तुम देखेंगे ना इसको अगर, तो वो कैसा रहता है, वो जो सारी चीज़ को पेन रहने दो, स्लेट रहने दो, हमारे जो फूड रहता है, बुक्स रहता है, उसको सब इकट्ठा करके और एक बंडल बना देंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बंडल, वी आर ग्रुपिंग ऑफ समथिंग ओवर हियर, उसको पूरा अच्छे से बांध के उसके हाथ में दे दिया था, किसके हाथ में, हमारे ऑथर के हाथ में। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट वी वेंट टू स्कूल, शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सो इस जगह पे इन्होंने क्या बोल रहे करके देखो, उन्होंने मेरे साथ जो पुराने लगे ना, हम जब ब्रेकफास्ट खत्म करके ही हम स्कूल जाते थे, ये स्टेल मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेल, अगर हिंदी में बोलना है तो इसको हम बोल सकते हैं पुराना, नो लॉन्गर फ्रेश, मतलब चपाती जो पुराना चपाती बोलते हैं ना हमने, बासी खाना जो रहता है, वही उन्होंने दे देते थे, वो उन्होंने मेरे को वो चपाती भी दे देते थे और उन्होंने खुद से भी ले लेते थे, क्योंकि हम रास्ते में जाते ना तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स रहती है, वो डॉग्स को सब उनको वो इतनी काइंड हार्टेड है कि जो पड़ा हुआ चपाती को भी हाथ में ले लेते थे और सारे डॉग्स को रास्ते में खिलाते खिलाते ही आते थे। ओके, फेयर बुक, अंडरलाइन इट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड राइट द मीनिंग। ओके, फिर देख लेंगे बाद में। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज़ द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल। सो मेरे जो ग्रैंडमदर, मेरे जो दादी माता हैं, वो हमेशा डेली मेरे को स्कूल में छोड़ने आते थे। एक चीज उन्होंने मेरे को बहुत केयर किए थे और दूसरी चीज मेरे स्कूल के पास ही मंदिर था, मेरे स्कूल के पास ही मंदिर था तो वहाँ पे मुझे छोड़ने आते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन राउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। सो मेरी जो ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ इसीलिए आते थे क्योंकि वहाँ पे पास में ही टेम्पल था। फिर उसके बाद वहाँ के उसके अंदर जो सेंट रहते हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चों लोग नहीं रहते, छोटे बच्चे को अल्फाबेट सिखाते थे स्क्रिप्चर्स में। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या है, अ सेक्रेट राइटिंग ऑफ रिलीजियस, स्क्रिप्चर अ सीक्रेट राइटिंग ऑफ अ रिलीजन। ओके, सो ये रिलीजन में जो सेक्रेट राइटिंग होते हैं ना, जैसे कि कुरान होती है, बाइबल होती है, भगवद गीता होती है, सो उसमें जो लिखा हुआ है सो वो उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर राइटिंग, उसको सेक्रेट राइटिंग बोल सकते हैं। तो मतलब मेरे ग्रैंडमा उस वक्त क्या करते थे, वो जो बच्चे लोग के बीच में वो भी जाके बैठ जाते थे, बैठ के वो सेक्रेट राइटिंग्स पढ़ते थे, या फिर वहाँ पे वो बच्चे भी क्या करते हैं, इधर अगर अल्फाबेट्स बोलते थे, अल्फाबेट्स रट्टा करके या बाय हार्ट करते थे, या फिर उस जगह पे कोरस में गाना गाते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरस, ग्रुप में चलता था सब, लाइक हमने इमिटेट करते ना, जो टीचर्स बोलते हैं उसको हम दोबारा बोल के इमिटेट करते हैं। सो ये जो बहुत टेंडर एज में बच्चे को पढ़ाया जाएगा राइम्स में सब, तो उसी बेसिस में प्रीस्ट ने उनको पढ़ा रखा था। ओके, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दिस टाइम the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. So, इस वक्त क्या है,
जब तक मेरा स्कूल चलता है तब तक मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल स्टॉप। फिर मेरे ग्रैंडमा और हम दोनों साथ में ही निकलते हैं। साथ में निकलने वक्त क्या होता है, रस्ते में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होती है, तो हमने लाइक उनके लिए स्टेल चपाती लाते हैं ना, जो पुरानी चपाती पड़ा हुआ है उसको लाते हैं, तो वो ग्राउल करके आते हैं। ग्राउल मतलब क्या है, मेकिंग अ लो गटरल साउंड, गटरल साउंड बोलते हैं। मिलती हूँ, I'll drop it and write it. Okay. Growling. Making a low guttural sound, मतलब बहुत लो साउंड में, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते करते आते थे, एक दूसरे से ऐसे ही आवाज स्लो स्लोली आवाज करके आते थे, क्योंकि उनको ये आज था कि ये जो ग्रैंडमा जो आया है, ये जो स्टूडेंट जो आया है, वो हमारे लिए चपाती देगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ा करते करते आ रहे थे। कहाँ तक आ रहे, उनके घर तक उन्होंने पहुँचा देते। Understanding? When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point. So, अभी तक हमने जो देख रहे थे, it was a bond between the author and the grammar. ये कब तक हुआ? जब तक author की schooling खत्म हुई। ऑथर की स्कूलिंग खत्म होने तक, उसके बाद जो स्टोरी है वो एकदम अलग है। लाइक ऐसे एक कंडीशन आ गया कि ऑथर वॉज गोइंग फॉर हिज हायर स्टडीज, मतलब स्कूलिंग में ही काम नहीं चलता है ना, आफ्टर दैट ही हैज टू डू कॉलेज। सो कॉलेज जाने वक्त क्या हुआ था, उस ऑथर को उनके पेरेंट्स के पास जाना पड़ा था। ओके, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आर फ्रेंडशिप। वॉट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट? हमारे लाइफ में भी इसलिए एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, डाइवर्जेंट बेसिस में, कि हमको कौन से रास्ते चूज करना है आफ्टर योर कंप्लीशन, लाइक टेंथ खत्म होके आने के बाद यू विल बी चूजिंग, राइट? तुमने भी लाइक चॉइस करेंगे कि मुझे साइंस में जाना है या कॉम में जाना है या आर्ट्स में जाना है। सो उस जगह पे क्या हो जाता है, यू आर इन अ सेट ऑफ टाइम वेर यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर गोल। तुम्हारे जो गोल को तुम डिसाइड कर दो इस जगह पे। मैं यहाँ पे तुमको पढ़ाई के बारे में एग्जाम्पल दी, ये हमारे ऑथर के क्या टर्निंग पॉइंट था कि मेरे ग्रैंडमा को मैं छोड़ के मेरे हायर स्टडीज के लिए मैं फिर से मेरे माँ बाप के पास ही जा रहा हूँ। ओके, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल ऑन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। सो उस जगह पे क्या होता था, अभी ये जो बॉन्ड जो है इनका, ग्रैंडमदर को भी इन्होंने साथ में सिटी में ले गए। साथ में लेने के बाद भी क्या हुआ, ऑथर जो है वो नया स्कूल में जाके ज्वाइन कर ली। अभी नया स्कूल में ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ ऑथर को, वो स्कूल में अगर कॉलेज हायर स्टडीज के लिए जा रहे तो भी वहाँ पे स्कूल बस था, उनको स्कूल बस प्रोवाइड किया गया था, और वो स्कूल बस में जाते जाते क्या किया, ना वो स्ट्रीट डॉग्स को देखा ना और कुछ देखा, उसने स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं दिख रहा था और ग्रैंडमा भी छोड़ने नहीं आ रहे थे। अभी इस जगह पे ग्रैंडमा छोड़ने नहीं आए तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंडमा फिर कर क्या रहे थे घर पे, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शी टुक टू द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस, ऑफ आवर सिटी हाउस। सो कोर्टयार्ड, ग्रैंडमा जो थे वो घर पे ही रुकते थे, और घर पे रुक के ये जो कोर्टयार्ड है ना, कोर्टयार्ड मतलब उसका नाम मीनिंग क्या है, बरामदा, जो घर की जो बरामदा रहता है वो बरामदा में ही फुल डे लाइक ऐसे ही निकालते थे। वो जो स्पैरोज जो आती है, चिड़िया जो आती है, बर्ड्स जो आती है घर पे, तो उसके उसके रिलेटेड जो भी लाइक फूड देना है या उसको कुछ खिलाना है वही चीज़ दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग 11th स्टैंडर्ड।